तो गाइस अगर आपके पास चाइना पंप है गाइस और उसका कनेक्शन इस तरह से आपका अगर टूट जाता है या फिर फट जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो इसे रिपेयर कैसे करना है गाइस, आपको क्या करना है, इसे हाथ से इस तरह से खोल लेना है गाइस। अगर हाथ से नहीं खुलता है तो तोता प्लायर लेने के बाद इस तरह से आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको फिट करना है। किस तरह से फिट करना है आप लोग को बताते हैं। तो ये थोड़ा सा जाम रहेगा तो इस चीज़ को आपको अच्छा से निकाल लेना है गाइस। तो चलिए फटाफट पहले निकाल लेते हैं फिर आप लोग को आगे बताते हैं। इस चीज़ को गाइस इस तरह से आपको निकाल लेना है जैसा कि देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए आपको नोजल लगा हुआ गाइस, तो इस नोजल को इस तरह से आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो प्लायर की मदद से आपका निकल जाएगा। कनेक्शन को लेने के बाद कैंची से थोड़ा सा आपको कट कर लेना, ठीक है। जितना खराब रहेगा उतना आपको कट कर देना है। कट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो थ्रेड वाला बूज देख रहे हैं इसे आपको अंदर की ओर प्रेस करना है पहले, ठीक है। इस तरह से प्रेस करना है, जिस तरह से आप खोलेंगे उसी तरह से प्रेस करना है। उसके बाद ये जो आप नोजल देख रहे हैं छोटा सा, ये नोजल को आपको इस तरह से हाथ से जो है अंदर की ओर प्रेस कर देना है जैसा कि देख पा रहे हैं हम कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपको कर लेना है। सो ये देखिए अंदर की ओर प्रेस हो गया, एकदम अच्छे से फिट कर लेना है। इस तरह से फिट करने के बाद आपको क्या करना है, पंप को लेना है। पंप को लेने के बाद इस तरह से आपको जो है टाइट कर देना है, ठीक है। जिस तरह से आप खोलेंगे उस तरह से आपको टाइट कर देना है, एकदम अच्छे से इस तरह से हाथ से जितना हुआ टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद तोता प्लायर लेने के बाद हल्का हल्का आपको टाइट करना है, ज़्यादा फुल टाइट नहीं देना, नहीं तो आपका टूट जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से टाइट कर दे और ये देखिए कनेक्शन एकदम फिट हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरह से अगर आपका चाइना पंप में प्रॉब्लम होता है तो आसानी से आप ठीक कर सकते हैं।